कोऑर्डिनेटर्स और कास्टिंग एजेंसीज, ये लोग कमीशन बेसिस पे कलाकारों को काम दिलाते हैं और नए कलाकारों को इनसे काफी मदद मिलती है, क्योंकि एक एक कास्टिंग एजेंसी, एक कोऑर्डिनेटर काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम करते हैं। एक कोऑर्डिनेटर के पास या एक कास्टिंग एजेंसी में जो आप ऑडिशन देते हैं तो वो कई प्रोडक्शन हाउसेस में जाता है, और एक जगह ऑडिशन देने से, इस तरह से मतलब एक कास्टिंग एजेंसी में या एक कोऑर्डिनेटर के पास ऑडिशन देने से आपको कई जगह से काम मिलना शुरू हो जाता है, और एक नए कलाकार को इससे बहुत फायदा होता है, उसकी काफ़ी भागदौड़ बचती है, काफ़ी उसकी मेहनत बचती है, और एक जगह ऑडिशन दे के उसको कई जगह काम मिलता है और कई जगह उसके रिलेशन बनता है। नॉर्मली ये लोग 20-25% कमीशन चार्ज करते हैं, आपका जो भी पेमेंट होता है प्रोडक्शन हाउस से, जो आप काम करते हैं, जो आपका पेमेंट आपको मिलता है, वो जब पेमेंट का चेक आपको मिलता है तो उस पेमेंट में से ही अपना कमीशन लेते हैं, 20-25, डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेटर और कास्टिंग एजेंसीज के साथ काम करने का फायदा ये है कि इससे नए लोगों की काफ़ी भागदौड़ बचती है। जब आप नए होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ पे हैं, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा, तो अगर 2-4 अच्छे कोऑर्डिनेटर्स या कास्टिंग एजेंसीज आपको मिल जाती हैं तो आपका काम चलना शुरू हो जाता है, आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, एक रूटीन आ जाता है, आप की एक इनकम शुरू हो जाती है। नॉर्मली कोऑर्डिनेटर्स या कास्टिंग एजेंसीज कुछ रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते हैं, 2,000-3,000, डिपेंड करता है, सबकी अपनी अलग अलग फीस है, और इनके पास रजिस्ट्रेशन फीस देने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कास्टिंग एजेंसी या कोऑर्डिनेटर जेन्युइन होना चाहिए। किसी भी कास्टिंग एजेंसी में या किसी भी कोऑर्डिनेटर के पास रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कीजिए, ये पता कीजिए कि वो कौन से प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम करता है, कौन सी अभी तक उसने फिल्म में कास्टिंग की है, कौन से सीरियल में कास्टिंग की है, क्योंकि ऐसे यहाँ मुंबई में बहुत से फ्रॉड लोग भी हैं जो कास्टिंग के नाम पे, कोऑर्डिनेशन के नाम पे रजिस्ट्रेशन फीस हैंकते हैं और लोगों पे भी हैंकते हैं। तो किसी भी कास्टिंग एजेंसी में या कोऑर्डिनेटर के पास रजिस्ट्रेशन कराने से पहले पूरी तरह से उसकी जानकारी हासिल कीजिए, तभी रजिस्ट्रेशन करें।